जय हिंद दोस्तों। जब से इंडिया में 3 किसान बिल आए हैं, इसके विरोध में दिल्ली से सटे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के सड़कें अक्सर जाम में फंसी हुई मिलती हैं। और हाल ही में नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि वो एक सिंगल मदर है जिन्हें मेडिकल इशूज़ भी हैं और इन्हें नोएडा से दिल्ली जॉब के लिए जाना होता है, लेकिन किसानों के चल रहे प्रोटेस्ट की वजह से कभी मेट्रो बंद मिलता है तो कभी सड़कें जाम में फंसी मिलती हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की एक बेंच बिठाई और गवर्नमेंट और फार्मर्स के एडवोकेट्स से कहा कि जितना जल्दी हो सके इस मसले को ख़त्म किया जाए। इसमें किसानों का पक्ष लेते हुए एडवोकेट दुष्यंत देव और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि सर, पुलिस के द्वारा ही किसानों को राज्य से सटे बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है, वरना किसान तो दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान में जाकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे ही रोकना हमारी मजबूरी है। सर, दिल्ली में हमने इनको जाने दिया था, लेकिन आपको याद होगा कैसे इन्होंने लाल किले पर चढ़ाई कर दी जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हो गए थे और कुछ की जान भी चली गई थी। दोस्तों, यह तर्क वितर्क तो चलता रहेगा, लेकिन आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या धरना प्रदर्शन करना हमारे संविधान का एक हिस्सा है? यानी कि क्या राइट टू प्रोटेस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट में कहीं भी राइट टू प्रोटेस्ट नहीं लिखा गया है। तो सर, फिर आपका सवाल होगा कि ये आए दिन धरने क्यों देखने को मिलते हैं हमें? तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ आर्टिकल नंबर 19 की तरफ। आर्टिकल 19 के क्लॉज ए में लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अपनी बातों को किसी के भी सामने रखने की आज़ादी। और किसान अपनी बातों को ही तो मनवा रहे हैं। और वहीं आर्टिकल 19 के सब क्लॉज बी में लिखा है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना हथियार उठाए लोगों को इकट्ठा करना और बातचीत करना। तो सर, किसान भी तो इसी को फॉलो कर रहे हैं। और आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में लिखा है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी कि समूह बनाने की आज़ादी। और ये यूनियन 1,000 से लेकर 1,00,000 तक भी हो सकती है। और किसान भी यही कर रहे हैं, अपना यूनियन बनाकर और अपनी बातों को सरकार के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने ही तो जा रहे हैं। ये तो हो गई किसानों के पक्ष की बात। लेकिन आर्टिकल 19 के क्लॉज 2, 3 और 4 में इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लिखे गए हैं। और क्लॉज 2, 3, 4 के अनुसार आपके प्रोटेस्ट से पब्लिक में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं फैलना चाहिए, भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का अपमान ना हो, और सबसे बड़ी बात, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और आम आदमी को मूवमेंट में यानी कि आवाजाही में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो रोडों पर ट्रैफिक लग रही है प्रोटेस्ट के कारण, उसमें आवाजाही यानी मूवमेंट में तो प्रॉब्लम हो ही रही है और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी क्षति पहुंच रही है। इसी पर तुषार मेहता जी ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि सर, लोग रामलीला में प्रोटेस्ट करने आते हैं और वहीं पर कुछ लोग अपना परमानेंट रेसिडेंस बनाकर रहने लगे हैं, और उनको अब वहां से निकालने के लिए एक अलग पॉलिटिक्स लगेगी। फिर इधर से दुष्यंत देव भी चुप नहीं रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि अभी हाल में जब बांग्लादेश में दुर्गा पूजा में हिंदुओं पर अटैक हुआ था, तो उसके विरोध में रामलीला में बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिर मेहता जी ने वही लाल किले वाला इंसिडेंट याद दिलाया। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 दिसंबर को रखी है। उम्मीद है लगभग 2 साल से चले आ रहे इस मसले का कोई न कोई परफेक्ट सोल्यूशन हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।